मुजफ्फरपुर का वो हॉस्पिटल यही है जहाँ पे 26 लोगों की ऑपरेशन के बाद एक आंख पूरी तरीके से खराब हो गई है। आप देख सकते हैं प्रत्येक रविवार को हॉस्पिटल परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस लगाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। इसी नेत्र जांच निःशुल्क जो कैंप लगाया गया था जिसमें 135 लोगों का ऑपरेशन एक दिन में किया गया जिसमें से 26 लोगों के साथ इस प्रकार की शिकायत हुई है। दिलीप कुमार जलान जो यहाँ के सेक्रेटरी है उन्होंने इस पूरे मामले पे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। सदर सिविल सर्जन के द्वारा जो जांच टीम बनाई गई है वो अभी भीतर में जो ओटी है वहाँ पे जांच कर रही है और देख रही है। वहाँ से कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं कि क्या कुछ वहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई थी। उन सब बातों को लेकर जाँच टीम में जो शामिल सदस्यों हैं का कहना है कि आज 6 लोगों को SKMCH के आई जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर HOD के हवाले यहाँ से कर दिया गया है बेहतरी चिकित्सा के लिए, पर वो भी इस पूरे मामले पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। पूरे मामले में अब देखना ये होगा दिलचस्प कि आखिर इस मामले में कार्रवाई होती है या वो भी सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह जाती है। जांच टीम भीतर में जांच के नाम पर जांच कर रही है, क्या रिपोर्ट करती है वो देखना भी दिलचस्प होगा। NBT के लिए मैं संदीप कुमार। किनका इनके से गिरा अभी जितने मरीज लोग हैं ना मोबाइल अथी पर चढ़ा लीजिए एम्बुलेंस पर और आप चले जाइए वहाँ पर इमरजेंसी अभी अभी कोई चाहिए ना। एक आदमी तो अभी हम यहाँ 6 मरीज ऐसा है। ये एक टीम मेरे लीडरशिप में यहाँ पहुँची मेडिकल कॉलेज से आई के HOD और एक उनके अंडर में एक और नौजुवक आई सर्जन मेरे साथ में मेरे अस्पताल की आई सर्जन हैं और सीनियर डॉक्टर हैं मोहम्मद हसीब असगर साहब और ये मेरे बड़ा बाबू हैं। ये टीम हमारी यहाँ पहुँची आ करके पहले उन मरीजों से मिला जो यहाँ पर परेशान थे। कुछ लोग यहाँ आ करके अपना रिलीफ खोज रहे थे कैसे रिलीफ मिलेगा। उन लोगों के लिए पहले हमने लाइजन किया HOD आई SKMCH से और ये मरीजों को पहले वहाँ भिजवाने का प्रबंध किया हूँ। उसके बाद मैं OT में गया, OT के जगह से माइक्रोबायोलॉजी विभाग SKMCH से वहाँ के टेक्निकल लोग आए लैब से और जितने जगह ज़रूरी समझा गया हमारी टीम के द्वारा वहाँ वहाँ से स्वैब कलेक्ट किया गया वो कल्चर में जाएगा और बाकी चीज़ मैं अभी इसके जो सचिव हैं जालान जी श्री दिलीप जालान जी इनसे मैं अभी बात करूँगा। फिर जो डॉक्टर लोग उसमें ऑपरेशन किए उनसे बात करूंगा। OT ये लोगों से बात किया, OT के असिस्टेंट लोगों से बात किया और हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे फिर आप लोगों से। सर मरीज और उनके परिजनों से बातचीत हुई है क्या कुछ सामने आया अभी तक? तो वही हुई ना, वो तो तकलीफ में है ही सर, वो टेक्निक मेरी बात सुनिए, वो तो तकलीफ में है ना। पहले उनका तकलीफ का टेक्निकल ही समाधान है ना, वो साइंटिफिक समाधान है ना, वो साइंटिफिक समाधान का जो जो प्रोसीड्योर है सब हम लोगों ने अभी संपन्न किया। अभी इन लोगों को एक एम्बुलेंस यहाँ से ले करके एक स्कॉट के रूप में वहाँ जा करके सब लाइजन करने के लिए कहा, वो सब लाइजन होकर के उसकी भी मैं रिपोर्ट लूँगा, HOD से बात करूँगा, फिर दोबारा फिर सुपरिटेंडेंट SKMCH से बात करूँगा। ये सभी मेरे मरीज जो अभी भटक रहे थे वो व्यवस्थित हो गए और इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शुरू हो गया। आज कितने और मरीज आए हैं? अभी 6 मिले हैं। एक सेकंड एक चीज बताइए, कितने लोगों की उस दिन ऑपरेशन हुआ था उसमें कितने लोगों का अभी तक जो आंकड़ा हॉस्पिटल ने बताया और OT में आप गए लोगों से बात की तो क्या कुछ पता चला? हाँ अभी तो उनका रजिस्टर मैंने मंगाया, उसका फोटोकॉपी लिया, डेट टाइम डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर लोग उनके हैं, उन लोगों से अभी हम
इंटरव्यू करेंगे, उनसे बात जानेंगे। ऑपरेशन की बात है। लगभग लगभग अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी हमको एक डॉक्टर लगभग वही है, उसी के करीब है, बस एक दो घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अभी उस पर भी गए, कुछ बात की, अभी तक कुछ फर्स्ट ओटी में वही होता है ना, सबसे पहले सैंपल कहाँ कहाँ से हम लोगों को बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ के लिए हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया जो कल्चर में जाएगा, और बैक्टीरिया या फंगस को भी कोई भी आया वो सब का हम लोग ये करेगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर हम लोग मरीज और डॉक्टर हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत करा पर अभी आपको प्रथम दृष्टि पर क्या कुछ लगा, कुछ गड़बड़ी की गड़बड़ी तो है ही, इसी गड़बड़ी के तो ये अभी कंक्लूसिव नहीं हुआ ना, वो कंक्लूसिव आप लोगों को बताएंगे वो समय जब हो जाएगा सब आप लोग। ऐसा तो नहीं लगता है, 27 से बढ़ भी सकता है, कहे कि हमारे मरीज लोग छितराए हुए हैं सभी, तो यहाँ तो 6 मिल गए थे, इनके लिए प्रबंध करा दिया, अब और मिलेंगे उनके लिए भी प्रबंध कराऊंगा, पहले तो उनका रिलीफ जरूरी है, फिर हम लोगों की बातचीत जरूरी है। अच्छा एक चीज और बताएं सर, एक दिन में एक डॉक्टर कितना ऑपरेशन कर सकता है, मानक क्या है? अब गाइडलाइन देखते हैं, आपको फिर उसके बाद में बताते हैं, गाइडलाइन होता है सब चीज का, गाइडलाइन होता है। और किस परिस्थिति में करवाया? एक दिन में कैसे डिस्चार्ज कर दिया आपने? इसका जवाब हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वहाँ तो जो 65 को का ऑपरेशन हुआ आपके नॉलेज में है, तो हम इसमें क्या जवाब दें? एक डॉक्टर ने कैसे कर दिया ये बात बताइएगा ना आप, इसका मतलब आप जानबूझ के कर रहे हैं पैसा लेने के लिए या जो भी कारण हो। पैसा फ्री में कर रहे हैं ऑपरेशन, तो पैसा के लेने का कहाँ सवाल होता है? संस्थान के संस्थान को कहीं से ये नहीं मिलता? नहीं कहीं से नहीं मिलता, नहीं 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 सरकार से तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ इस साल तब, लेकिन आपने